जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। दिस इज़ मी बुशरा मुश्ताक फ्रॉम द चैनल बशी सेज पाकिस्तान। ये एक गाना है, कालावाती इसका नाम है, म्यूजिकल वीडियो है, लिरिकल नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि इसमें इसको परफॉर्म कौन कर रहा है, फीचर्ड किसने किया है, गाया किसने है। मेरे ख्याल में जहाँ तक इसमें लिखा हुआ है, महेश बाबू ने इस गाने को गाया है। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन से स्टेप्स हैं और कैसा लिरिकल सॉन्ग है, कैसी लिरिक्स है। अगर ये साउथ इंडियन गाना है तो इसकी ज़बान भी जो है वो दूसरी होगी, हिंदी में नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन एटलीस्ट हम इसके डांस स्टेप और इस गाने की जो म्यूज़िक है उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा गाना है। तो पहले चलते हैं, वीडियो देखते हैं, गाना सुनते हैं और उसके बाद इसके इस पर बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, लेट्स गेट इन द वीडियो। Perfect gift for your loved ones. వంద ఒక వెయ్యో ఒక లక్షో మెరుపులు మీదికి దూకినాయా, ఎందే నిమాయా? ఉందో అటు పక్కో ఇటు దిక్కో చిలిపిగా తీగలు మోగినాయా, పోయిందే సోయా? ఇట్టాంటివన్నీ అలవాటే లేదే, అట్టాంటి నాకి తడవాటసలేందే. గుండె తడగుందే, విడిగుందే, చడిసిందే, నిన్ను చదపడమని తెగ పిలిచినదే. కమ్మా కమ్మా ఒక లక్షం మెరుపులు మీదికి దూకినాయా, ఏందే నీ మాయా? అతికించి ఇరికించి వదిలించి నా బతుకుని చెడగొడితివి కదవే. కళ్ళావి కళావతి, కల్లోలమైందే నా గతి. కురులావి కళావతి, కుళ్ళ బొడిసింది చాలుతి. కమ్మ కమ్మ లక్షో మెరుపులు మీదికి దూకినాయా, ఏందే నిమ్మాయా? ముందో అటు పక్కో ఇటు దిక్కో చిలిపిగా తీగలు మోగినాయా, పోయిందే సోయా? ఇస్కా మ్యూజిక్ బహుత్ రిలాక్సింగ్ మ్యూజిక్ తా కి మతలబ్
एक सुकून सा मिल रहा था इस गाने को सुनते हुए, और जो इसका डांस था, जो स्टेप्स थे वो भी बहुत स्मूथ थे, बहुत सोलफुल थे, मतलब देखते हुए बहुत सुकून सा मिल रहा था। फास्ट वो एनर्जेटिक तो बिल्कुल भी नहीं था ये गाना, लेकिन बहुत ही सुकून और मेलोडी सॉन्ग था, बहुत बहुत धीरे धीरे आराम आराम से गाने वाला गाना था। सिंगर इनके श्रीराम जी हैं, जिन्होंने कमाल कर दिया, बहुत ज़बरदस्त गाया। इनकी आवाज़, इनकी सोलफुल वॉइस टचेस माई हार्ट, सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट। लिरिक्स पे बात नहीं करूँगी क्योंकि लिरिक्स तो मुझे समझ नहीं आई, बिकॉज दिस इज़ साउथ इंडियन मूवी सॉन्ग, और जो भी इसमें लैंग्वेज यूज़ हुई है वो हिंदी नहीं थी। हिंदी फिर भी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन ये जो भी लैंग्वेज थी ये नहीं समझ में आई, तो लिरिक्स पे मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, सॉन्ग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, म्यूज़िक बहुत कमाल है, जिन्होंने गाया है उनका तो जवाब नहीं। उनकी आवाज़ बेसिकली वो तो हम सुन सकते हैं ना, ऑफकोर्स हम उस उनकी आवाज़ को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो आवाज़ बहुत अच्छी थी, स्टेप्स बहुत अच्छे थे। और हीरो यार, ये हीरो कौन है जिसने इस गाने को फीचर किया है और इस पे जो स्टेप्स कर रहा था, जो बहुत ही बहुत मतलब बहुत यंग एज हीरो लग रहा है मुझे, बहुत यंग एज एक्टर लग रहा है जिसने फीचर किया इस गाने को। मुझे नाम नहीं पता, अगर आप लोगों को नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे नाम ज़रूर बताइएगा। एंड मुझे बहुत शौक है साउथ इंडियन एक्टर्स को जानने का, और आहिस्ता आहिस्ता मैं इनके बारे में जान भी रही हूँ। अल्लू अर्जुन सर, ये इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ मैं जान चुकी हूँ इनकी मूवीज़ देख देख के, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे इनको पहचाने में और इनका नाम मुझे बताएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई चैनल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।